हाय फ्रेंड्स, आज आपके सामने ये प्यारा सा प्लांट जो है ये चंपा का प्लांट है। और ये फ्रेंड्स, कल ही मैं जो है नर्सरी से न्यू प्लांट लेके आया हूँ बिल्कुल जो है। और ये फ्लावर देखिए आप, इसका कितना प्यारा फ्लावर है, ये देखिए आप, बहुत सुंदर सच में फ्लावर है। इसी की वजह से मैं इसको तुरंत ही ले आया। और जो इसका देखिए तरीका है ना खिलने का, वो मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका फ्लावर बिल्कुल राउंड होता है फ्रेंड्स। यहाँ से ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खिलते 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 ऐसे करके घूम घूम के फ्रेंड्स खिलेगा जो। और ये अगर एक बंच इस पर जो आता है, ये जो होता है ये आने के जो है बाद में जो है, ये लगभग आप मानिए तो ये जो है 1.5 महीने तक इसमें फ्लावर आते रहेंगे जो। 2-4 फ्लावर इसमें खिले ही रहेंगे, इसके इस गुच्छे में इतने फ्लावर्स आते हैं इसमें जो है। देखिए, ये जो बर्ड्स हैं ये आती रहती हैं। और इसमें जो खुशबू आ रही है वो इतनी सुंदर आ रही है, इतनी ही प्यारी आ रही है ना, कि मन करता है अपने कमरे के पास में रखने बिल्कुल जो है, जिससे आपको जो हर समय खुशबू जो है वो मिलती रहे। इतनी अच्छी फ्रेंड्स इसकी जो महक है, बहुत स्वीट सी महक है, बहुत सुंदर सच में लग रही है। और चंपा की ज़्यादातर वेराइटियाँ जो होती हैं उनमें खुशबू आपको मिलेगी। कुछ ऐसी वेराइटियाँ होती हैं जिनमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत सुंदर खुशबू है। देखिए, मैं आपको इसका प्राइस बता दूं, ये देखिए 150 रुपये का मुझको मिला ये। और ये छोटा सा पॉलीथीन में है, ये देखिए, ये 5 इंची पॉलीथीन होगा शायद, उसमें ये लगा हुआ है जो है। और फ्रेंड देखिए, एक चीज़ और होती है, चंपा जो है देखिए ये यहाँ से जो है बर्ड्स इसमें निकलती रहती हैं। ये देखिए आप, ये जो फ्लावर आता है तो उसके साइड से ये जो होते हैं एरिया होता है ना, तो इससे भी जो ये बर्ड्स देखिए आप निकलती रहती हैं। ये देखिए, तो यहाँ से ये 2-3 इसकी स्टेम और बन जाएगी। ये देखिए आप, ये जो स्टेम है ये यहाँ से निकलेंगे और बन जाएंगे, और ये घना हो जाएगा। अभी तो देखिए ये सिंगल है, और ये बहुत आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप जो कटिंग वगैरह लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, और ग्राफ्टिंग भी बहुत सक्सेस रहती है इसकी। आप इसमें चाहें तो 1-2 कलर के और ग्राफ्ट करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाती है। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो फिलहाल अभी मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये देख लीजिए एक बार और आप, और आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय फ्रेंड्स।